नमस्कार। शुभ समय SSNews.in के दिन प्रतिदिन की इस चौपाल में आज आप हार्दिक स्वागत है। आज का विषय जो वर्तमान में हमने देखा गुजरात के अंदर अभी जो आरक्षण संबंधित पटेल पाटीदारों का जो आंदोलन हुआ और उसके बाद जिस तरह से गुजरात में एक बहुत भयानक चित्र हमने देखा, तो वहाँ पर शहर शहर में गांव गांव में एक अशांति का वातावरण, जगह जगह पर कर्फ्यू लगे हुए हैं। हालांकि गुजरात सरकार ने इसकी जांच का आदेश दिया है, जांच जब उसकी रिपोर्ट आएगी उसमें विस्तृत जानकारी हमें प्राप्त होगी, लेकिन ये एक समझ के बाहर की चीज हो गई कि 12-15 लाख लोग 25 अगस्त के दिन गुजरात के कोने कोने से अहमदाबाद की तरफ उस GMDC ग्राउंड में आए, अपना आंदोलन किए। बड़ी मात्रा में लोग शाम होते होते अपने वापस घरों के और गांव की तरफ चले गए, पूरा माजरा जो था शांतिमय तरीके से पूरा हो गया। पर अचानक 8 बजे की रात जब हार्दिक पटेल वो अपने उपवास उपोषण जो भी कहें उस पर बैठे हुए थे मंच पर, और नीचे कुछ 4-5 हजार आदमी की भीड़ थी और शांतिपूर्ण तरीके से वो अपना वो आंदोलन उपवास का चला रहे थे, अचानक पुलिस पहुंचती है, पूरे मैदान की लाइटें बंद हो जाती हैं और हार्दिक पटेल और उनके साथियों को पुलिस अपनी पुलिस वैन में या गाड़ी में जिसमें भी हो बैठा करके अज्ञात स्थल पर ले जाती है अरेस्ट करके, और जो मैदान में लोग हैं उन पे बरबर लाठीचार्ज अनावश्यक तरीके से शुरू हो जाता है, और वहां पे खड़ी प्राइवेट गाड़ियां मोटरसाइकिल पर पुलिस के डंडे कांच फोड़ना, तमाम जो हमने उस समय टीवी के जो अलग अलग चैनलों में वहां फुटेज दिखाए जा रहे थे उसमें देखा, ये एक असमंजस का वातावरण बन गया। आखिर पुलिस को क्यों इतना उत्तेजित होना पड़ा, पुलिस आखिर इस स्वरूप में क्यों दिखाई दी शांतिपूर्ण आंदोलन के बाद, आखिर ऐसी क्या घटना उस 8 बजे के दौरान हो गई GMDC ग्राउंड के आसपास कि पुलिस को इस हद तक पहुंचना पड़ा कि उसके लाठीचार्ज के बाद दूसरे दिन सुबह हमने देखा कर्फ्यू लगे हैं अहमदाबाद के विभिन्न इलाकों में, लेकिन जहां ये पाटीदार पटेलों की बहुमत वाली जो सोसाइटियां हैं उसमें अंदर घुस घुस करके पुलिस ने अंदर की खड़ी हुई गाड़ियों को फोड़ने का काम किया, कुछ औरतें बच्चों को तक लाठीचार्ज चलाने का सोसाइटी के अंदर जाकर के काम किया। ये एक सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर आज गुजरात और न सिर्फ गुजरात, देश के अन्य कोने में भी जब जब इस तरह की घटना होती है हमने देखा पुलिस जो है अपनी बेलगाम हो जाती है और उसके बाद वो किसी चीज का आगे पीछे देखती नहीं, लाठीचार्ज आंसू गैस गोलियां, ये जो पुलिस का एक जो स्वरूप देश में बनते जा रहा है वो बहुत चिंता का विषय है। इसी तरह से हमने देखा कि कुछ दिनों पहले गुर्जर आंदोलन हुआ तब पुलिस ने कुछ कई इसी तरह का काम किया, दिल्ली में जब बाबा रामदेव का आंदोलन कुछ 4-4.5 साल पहले हुआ तब ये देखा रामलीला मैदान में शांतिपूर्ण तरीके से कुछ उनका चल रहा था, अचानक रात के अंधेरे में पुलिस पहुंची और जो काम हुआ पूरा देश जानता है, उसमें उनकी एक सहयोगी की बाद में जाके मौत भी हो गई। इसी तरह से अन्ना जी जब लोकपाल का आंदोलन कर रहे थे उनके साथ भी इसी तरह हुआ, अन्ना को अनशन करके वहां तिहाड़ जेल में जबरदस्ती बैठना पड़ा इस जबरदस्ती के खिलाफ। सवाल ये उठता है कि ये आखिर क्यों हो रहा है, ये किसके इशारे पे हो रहा है। अगर हम बात लें गुजरात की तो जब वहां गुजरात के उच्च न्यायालय ने गुजरात हाईकोर्ट ने कल स्वयं प्रेरणा से वो जिसको कहते हैं सो मोटो उसकी नोंद ली और उन्होंने पूछा सरकार से कि आखिर ये क्यों हुआ, तो वहां जवाब गया सरकार की तरफ से कि होम मिनिस्टर ने वहां के कहा कि हमने कोई आदेश नहीं दिए लाठीचार्ज के। वहां का जो DG पुलिस होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है पुलिस महकमे का इसी राज्य का, उसने कहा पब्लिकली कि हमने कोई लाठीचार्ज का आदेश नहीं दिया। आखिर जब गृह मंत्री और DG पुलिस ये दोनों बड़ी जिम्मेदारी के साथ वहां कह रहे हैं कि लाठीचार्ज का आदेश सरकार और राज्य सरकार की तरफ से नहीं दिया गया, प्रशासन की तरफ से नहीं दिया गया, तो आखिर पुलिस ने स्वयं प्रेरित होकर ये इतना बड़ा कदम क्यों उठाया और किसके कहने पर आया, किसके इशारे पर उठाया, ये एक जांच का विषय, जांच चल रही है, जांच का रिपोर्ट आएगी। लेकिन सवाल ये उठता है ऐसी घटनाएं चाहे वो रामलीला मैदान में बाबा रामदेव के साथ हो या अन्ना हजारे के साथ हो और अभी गुजरात की अहमदाबाद GMDC ग्राउंड और तमाम जगहों पे है, ये घटनाएं इस तरह की जो होती है तो कहीं कहीं ऐसा लगता है कि कुछ तत्व ऐसे हैं
जो प्रशासन में होंगे या समाज में होंगे या आंदोलन से जुड़े हुए लोगों का, जो अप्रत्यक्ष तरीके से जो लोग चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन ना हो और कोई अशांति का वातावरण वो देखना चाहते हो, वो उस तरह के कुछ लोग हो सकता है पुलिस महकमे में कुछ अधिकारियों और वहां पे जो ड्यूटी पे लगे लोगों को हाथ में लेकर ये जानबूझकर ये इस तरह का अशांत का वातावरण बनाकर एक कोई एक सनसनी फैलाना चाहते हैं, जिसको कहीं कहीं अब जो समय आ गया है कि गुजरात में जिस तरह की घटनाएं हुई, सेना को बुला करके वहां पर कानून व्यवस्था को संभालना पड़ा, तो ऐसी स्थितियों में हमें एक कोई कोई एक ठोस नीति बनानी होगी, ठोस निर्णय लेना होगा कि पुलिस किस तरह का व्यवहार इस ऐसे मौकों पर करे, अन्यथा भी आल्सो पुलिस किस तरह का व्यवहार सामान्य नागरिकों के साथ करे, क्योंकि आज एक बड़ा भयावह दृश्य है कि पुलिस स्टेशन सुरक्षा से ज्यादा लोग वहां पर जाने में घबरा जाते हैं। सही से सही आदमी पुलिस स्टेशन में जाने की बात करता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इस तरह का व्यवहार वहां पे जाने ये दुर्भाग्य है, परिसत्यता है कि किसी भी देश के कोने में किसी भी पुलिस स्टेशन में आज तक हमने नहीं सुना कि बड़ी प्रेम के साथ किसी को जाकर के बात की गई हो, कानून की दृष्टि से कोई काम किया गया हो, वहां जाने के बाद एक इस तरह की भाषा का वहां पे वहां के अधिकारी और वहां पर मौजूद जो कांस्टेबल है वहां पर करते हैं कि आपकी तबीयत बड़ी हरी हो जाती है। इसको कहीं कहीं पुलिस को जनप्रिय बनाना होगा, उनके व्यवहार में बदलाव करना होगा, उनका व्यवहार लचीला करना होगा और जनता पुलिस को अपना भक्षक नहीं रक्षक समझे सही माने में, इस तरह का एक माहौल को पैदा करना होगा। आज हम बात ये क्यों कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वर्षों पहले पुलिस कमीशन बनाकर की सारी बातों को व्यवस्थित रूप से एक कोड के रूप में बनाने की बात कही, लेकिन पता नहीं क्यों आज केंद्र सरकार और राज्य सरकारें भी आज तक उस कोड का सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश के अनुसार एक कोड क्यों नहीं बना पाई, कमीशन क्यों नहीं बना पाई, जिसे सारी इनकी ये जो कार्रवाई है उसको निर्धारित किया जाए, उसको नियंत्रित किया जाए। लेकिन बहुत जरूरी है, समय आ गया, जब गुजरात की बात हमने देखी उसके बाद जरूरी हो गया उस कमीशन को बनना और पुलिस किस तरह से व्यवहार जनता के साथ करे और ऐसे मौकों पे करे जहां पे भारी मात्रा में लोग अपनी बात कहने के लिए जन आंदोलन के माध्यम से पर एक पब्लिक प्लेस पे इकट्ठा होते हैं, पुलिस को क्या व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से उनके साथ पेश आना चाहिए, और साधारण व्यक्ति भी अगर कोई पुलिस स्टेशन में जाता है किसी कानूनी काम के संदर्भ में तो उसके साथ कैसे पेश आना चाहिए, एक निश्चित उसकी व्याख्या और एक गाइडलाइंस बनने चाहिए। ये बात हमें और भी कहने की जरूरत आज इसलिए पड़ी कि आज हमने पेपरों में पढ़ा कि गुजरात के पाटीदार आंदोलनों की तरह अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जाट जो रिजर्वेशन था उसको कैंसिल कर देने के बाद जाट एक बार पुनः 13 सितंबर को हरियाणा के हिसार से सुनील नामक जो किसान जाट पिछले 2009 के जाट आंदोलन रिजर्वेशन आंदोलन में शहीद हुए उसकी याद में उसके पुण्यतिथि के दिन वहां से फिर 13 सितंबर के दिन जाट आंदोलन शुरू कर रहे हैं आरक्षण को लेकर के, और वो उन्होंने उस समय जिस तरह से काम किया पानी रोकने का, वहां के ऑयल डिपो है वहां की सप्लाई रोकने का, और हरियाणा दिल्ली और अन्य NCR जो रीजन है उसका कनेक्टिविटी को बंद करने का, वो एक बार फिर उन्होंने धमकी दी है कि अगर हमारा आंदोलन हुआ तो उसी धरती पे होगा, उसी तरह का होगा, और उसी तरह वो फिर एक बार तमाम जो चीजें उन्होंने 2009 में की बल्कि उससे ज्यादा आक्रोशित तरीके से करेंगे, इस तरह का बयान आज हमें वहां के उनके जो अध्यक्ष हैं या जो उनके तमाम पदाधिकारी हैं हमने पेपरों में पढ़ने का काम किया। इसीलिए कहीं 25 अगस्त रिपीट 13 सितंबर को वापस ना हो हरियाणा की उस धरती पे, क्योंकि हरियाणा पुलिस और यूपी पुलिस और गुजरात पुलिस सब जानते हैं इनका व्यवहार किस तरह से होता है, कोई ज्यादा उस बात में कहने की जरूरत नहीं। कहीं इस तरह की घटनाएं वापस हरियाणा में हुई तो हरियाणा और अगल बगल में दिल्ली और दिल्ली से सटे हुए NCR रीजन में अशांति का वातावरण न फैले, इसलिए केंद्र सरकार और वहां की राज्य सरकारें जो वहां से जुड़े हुए जो राज्य है उनकी राज्य सरकारें अभी से इस तरह के आंदोलन से निपटने के लिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाएं और पुलिस को हिदायत दें कि इस तरह किस तरह से उनके साथ पेश आए जिससे गुजरात में घटी घटनाओं के वापस पुनरावृत्ति न हो। मुझे आशा और विश्वास है संबंधित प्रशासन में बैठे हुए अधिकारी और हमारे जो नेता जो संबंधित विभागों से इन विभागों को संभालने का काम करते हैं उचित कदम एडवांस में उठाएंगे और जाट आंदोलन या अन्य कोई आंदोलन भविष्य में जो इस तरह के होंगे उस समय किस तरह से पुलिस वहां की भीड़ को और मॉब को नियंत्रित करे उसकी एक रूपरेखा और गाइडलाइन बनाएंगे। और अगर ये हुआ तो मैं समझता हूँ आने वाले भविष्य के जो इस तरह के आंदोलन है, आंदोलन तो जब प्रजातंत्र है तो आंदोलन होंगे और जनता रोड पे भी आएगी अपनी बात कहने के लिए, उत्साहित भी होगी, प्रोत्साहित भी होगी, आक्रोश भी होगा, लेकिन उस आक्रोश में दोनों तरफ से शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए,
नियंत्रण पुलिस को करना चाहिए ढंग से और संयमित तरीके से, जो मोब है अपनी बात कहने के लिए सड़क पे आया है उसको रहना चाहिए संयमित और इनको रहना चाहिए नियंत्रित। मुझे आशा है कि भविष्य में ये दोनों मापदंड अपनाए जाएंगे और जो भी आंदोलन भविष्य में होंगे वो इंक्लूडिंग जो 13 सितंबर का जाट का रिजर्वेशन का आंदोलन जो हिसार हरियाणा में होने वाला है उसमें भी शांतिपूर्ण तरीके से वो पूरा होगा, ऐसी हम आशा करते हैं। जय हिंद।